तेलंगाना गवर्नमेंट ने आज असेंबली में एक बिल पास किया गया है जिसके जरिए हुक्का पार्लर को बैन किया गया है। हुक्का जो भी पार्लर चलाने वाले हैं उनको बैन कर दिया गया है। अब मैं हुक्का पार्लरों के ओनर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये आज से ये बंद कर लेना चाहिए। अगर ना बंद करे तो इसमें केस होने वाला है, और जो हुक्का पार्लर इलीगल भी छुपे से चलाने की भी कोशिश करे उनको भी हम अरेस्ट करेंगे। और पब्लिक से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि शौक में हम हुक्का पार्लर को ना जाएं, उसमें कस्टमर को भी अरेस्ट किया जाएगा। तो ये गवर्नमेंट के तेलंगाना की तरफ से एक अच्छा स्टेप है, इसमें समाज के लिए भी बेहतरी है। वो अपने जो यूथ है जो पार्लरों को जाके बैठ के जो नशा कर रहा है हुक्का पार्लर में, इससे रोकथाम होगी। इससे गवर्नमेंट को और पुलिस को भी इसका इसका बहुत अच्छा क्या बोलते मुस्बित अंदाज में इसका स्टेप लिया गया है। पब्लिक से भी गुजारिश करते हैं कि हम इसमें कोऑपरेट करें। सब एक 4-6 जने जो बैठ के आजकल जो हुक्के को कॉमन बना दिए, कोई तो घरों में बैठ के मारते, कोई पार्किंग में बैठ के हुक्का पीते, तो उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करनी सब। हाँ, उनके खिलाफ भी वो भी एक पार्लर के नीचे एक ट्रीट किया जाएगा। वो इलीगल पार्लर, और असल पार्लर तो इलीगल ही हो गया है, उसको उन लोगों को भी हम अरेस्ट किए करेंगे। उसमें अब वो लीगलिटी है ही नहीं उसमें। असल पहले पार्लर बोल के वो चलाते थे लाइसेंस उसेंस बोल के कोशिश करेगा, हाई कोर्ट से भी आर्डर लेके आए, पर वो सब कैंसिल हो गया। गवर्नमेंट इसको पूरा बैन कर दी। सर तो उसमें क्या है वो उसमें देखा जाएगा। फिलहाल तो जो नशाखोरी जो है हुक्का पार्लरों की वो बैन कर दी गई है। वो एक्ट आने के बाद उसको डिटेल पढ़ने के बाद हम सही बता सकते हैं।